तो विशेष प्रकार के वस्त्र आभूषण पहन करके बांस की मड़ई के चारों ओर गड़वा बाजा में इस नृत्य को संपादित किया जाता है। ठीक है, गड़वा बाजा आप वाद्य यंत्रों क्लास में वाद्य यंत्र को विस्तार से समझ सकते हैं कि गड़वा बाजा क्या होता है। बाकी छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों से जो जुड़े हुए हैं वो इस बाजा को जरूर जानते हैं। खास करके छत्तीसगढ़ ग्रामीण क्षेत्रों में शादी विवाह में गड़वा बाजा साज का प्रयोग किया जाता है। तो इस राउत नाचा का प्रमुख वाद्य यंत्र क्या हो गया? गड़वा बाजा। ठीक है, तो गड़वा बाजा में ये नृत्य जो है वो किया जाता है। नृत्य करते हुए शौर्य का भी प्रदर्शन किया जाता है, वीरता का भी प्रदर्शन किया जाता है। साथ में जो प्रमुख नर्तक होता है वो विभिन्न प्रकार के शेरो शायरी, विभिन्न प्रकार के दोहा, खास करके विभिन्न प्रकार के दोहा चौपाइयाँ जो है वो आपका गाता है। और इन दोहों में श्री कृष्ण द्वारा कंस वध का आपका कहानी रहता है और उसी को नृत्य के रूप में चित्रित किया जाता है।